हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस तरीके का अगर आपने सिंपल मेकअप किया है एंड उसको कुछ बोल्ड दिखाना है तो आप कुछ इस तरीके से ट्राई कर सकते हो। मैं बताने वाली बहुत ही खूबसूरत सा हेयर स्टाइल छोटे बालों के लिए एंड खुले बालों के लिए, तो वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा। इस तरीके से मैंने आईब्रो पेंसिल लिया, इसे कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया है। आप चाहो तो ऐसे ड्रॉ करके भी छोड़ सकते हो, मतलब इस तरीके से लाइन बना के छोड़ सकते हो एंड इसमें थोड़ा थोड़ा इस तरीके से ब्लेंड कर लोगे तो और भी प्यारा लुक आ जाएगा। एंड आपके आँखें अगर बहुत छोटी हैं तो ये वाला लुक बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा और आँखों को थोड़ा सा बड़ा बड़ा भी दिखाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है दोनों आईज पे इस तरीके से लेके आओ, ऊपर की तरफ विंग्स बना दो और इसको थोड़ा थोड़ा सा भर लो। अगर आपकी आईज का स्किन बहुत लूज है तो इस तरीके से खींच के आप कर सकते हो बहुत ईजिली। तो कैसा लग रहा है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाना हेयर स्टाइल और बहुत इजी वे में बहुत ही स्टाइलिश सा हेयर स्टाइल आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो एंड तक वॉच करते रहिएगा। और ये है मेकअप का फाइनल लुक। बाहर बच्चे पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने दोनों साइड से किया है एंड इसको आप आईलाइनर की मदद से करोगे तो और भी प्यारा लुक आएगा, बट मैंने यहाँ पे पेंसिल से कर लिया था। तो आप आईलाइनर ट्राई करना अगर आप रात भर के लिए इस तरीके का मेकअप चाहते हो तो, जैसे वेडिंग सीजन चल रही है तो पूरी शादी में आपको ऐसे ही टिके रहना है, टिकाए रखना है मेकअप को, तो आप लाइनर यूज कर लीजिएगा वाटर प्रूफ। तो इस तरीके से मैंने कर लिया था एंड उसके बाद मैंने थोड़ा सा इस तरीके से डॉट डॉट किया था नीचे वाली विंग्स के जस्ट सामने। तो इसको लाइनर से करोगे तो और भी प्यारा लुक निकल के आएगा। तो आई होप कि आपको पसंद आया हो। तो चलिए बहुत हो गया, हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। तो इसके डिटेल वीडियो भी अपलोड है तो हेयर स्टाइल देख लो आप। हैं मैं डेली रात को 9 से 11 बजे के बीच में लाइव आती हूँ। मैंने बताया था बहुत सिंपल सा आई मेकअप, उसके बाद मैंने कुछ इस पर क्रिएटिव किया एंड इसके बाद मैं बनाने आ गई अभी हाई हेयर स्टाइल। तो आप भी इस तरीके का कोई हेयर स्टाइल चाहते हो, आपके बाल छोटे हैं एंड कुछ अच्छा सा हेयर स्टाइल चाहते हो तो आप ये वाला ट्राई कर सकते हो जो मैं अभी बताने वाली हूँ। खुले बालों के लिए एंड छोटे बालों के लिए ये हेयर स्टाइल बेस्ट रहेगा। एंड इससे पहले मैंने ब्राइडल के लिए बन हेयर स्टाइल बताया था, आप अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके चेक कर लीजिएगा। और ये मेकअप मैंने बहुत ही ईजी वे में सिर्फ कॉम्पैक्ट पाउडर से किया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, देख लिया कीजिए यार गाइड्स वीडियोज मेरा सॉरी। तो इस तरीके से आपको सिंपल चोटी बनानी है अगर आप गर्ल्स हो, आपके बाल छोटे हैं तो आप ये वाला हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। कल मैं लाइव नहीं आ पाई थी क्योंकि तबीयत खराब चल रही है एंड आज मैं फिर से लाइव आ गई हूँ। अब इसको बैक साइड में लेके जाना है एंड क्लिप की मदद से क्लिप डाउन कर देना है। क्लिप लगाने से पहले बालों को पीछे से इस तरीके से हटा लेंगे और यहाँ पे क्लिप लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इससे आपका जो क्लिप है वो हाइड हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ओके। तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। फिर आपको सेकेंड लेयर लेना है, सेकेंड लेयर थोड़ा पीछे से ले सकते हो, आगे के हेयर को ऐसे ही छोड़ देंगे एंड फिर से इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फ्रंट के लेयर को छोड़ दीजिएगा अगर आपका फेस भी मेरी तरफ पड़ा है तो, फेस को हाइड करने की ज़रूरत है नहीं तो हमारा मुँह बहुत बड़ा दिखेगा और बहुत बेकार लगेंगे हम इसलिए। मैं थोड़ा सा कैमरे को ऊपर कर दी हूँ ताकि जो हेयर स्टाइल है वो दिखे आपको अच्छे से। इस तरीके से पूरा गूंथ लेंगे और जो हमने क्लिप लगाई थी उसी क्लिप में इसको भी इस तरीके से लगाएंगे और क्लिप को ऊपर की तरफ क्लिप कर देंगे और क्लिप को हाइड कर देंगे। अगर आपको लंबे टाइम के लिए हेयर स्टाइल रखना है तो आप डबल क्लिप लगा लीजिएगा, उससे क्या होगा कि आपका हेयर स्टाइल जल्दी नहीं खुलेगा, ओके। अब इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी करना है, तो दूसरी साइड के लिए फिर से मैंने यहाँ से हेयर को उठाया है देन यहाँ पर इस तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड चोटी गूंथ लेंगे इस तरीके से। काफ़ी अच्छा लगता है और बहुत इजी है तो इसको कोई भी बना सकता है।
थोड़ा हैवी हेयर लीजिएगा, मेरे तो बाल कम है तो इतने ही ले पाई हूँ मैं। अब इसको भी बैक साइड में ले जाएंगे और जैसे हमने पहले किया था वैसे ही क्लिप से इसको भी सिक्योर कर देंगे। हाइड कर देंगे क्लिप को, फिर सेकंड लेयर लेंगे। सेकंड लेयर लेने से पहले जो मैंने बताया उन चीज़ों का ध्यान रखना है, फेस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, हेयर स्टाइल तो होनी ही चाहिए, साथ के साथ हमारा जो बड़ा सा मुंह है वो भी ढके रहना चाहिए ताकि लुक है जो अट्रैक्टिव दिखे, अच्छी दिखे। अब हमने दूसरा भी लेयर ले लिया एंड इसको भी चोटी को गूँथ लेंगे टाइटली। ओके, अब हम लोग हटाएंगे इस तरीके से हेयर को एंड जो पहले हमने क्लिप लगाया था उसी में इस हेयर को भी सिक्योर कर देना है। आप चाहो तो सारे हेयर को एक साथ लेके एक रबर बैंड लगा के क्लिप को निकाल भी सकते हो। तो इस तरीके से आपका जो लुक है हेयर स्टाइल का वो हमारा बन गया है। तो इस तरीके इस साइड से कुछ ऐसा लुक लग रहा है एंड इस साइड से भी नॉट बैड, अच्छा ही दिख रहा होगा। तो ये है फर्स्ट हेयर स्टाइल, तो आप इस तरीके से कर सकते हो छोटे एंड खुले बालों के लिए ब्यूटीफुल सा बन सॉरी ओपन हेयर स्टाइल। कैसी लगी आपको हेयर स्टाइल? इजी भी है एंड काफ़ी अच्छी भी लग रही है और आप इसके साथ चाहो तो बन भी बना सकते हो। तो अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप इस तरीके से सारे बालों को एक साथ लेके बन भी बना सकते हो या फिर पोनी भी बना सकते हो, पोनी भी काफ़ी अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से करके आपको एक पोनी बना लेना है, ये भी काफ़ी प्यारी लगेगी। और कहीं आपको जाना है आप बाल खुले नहीं रख सकते हो तो आप पोनी बना सकते हो। तो इस तरीके से आपको रबड़ ऐड कर लेना है, पतला वाला रबड़ लेना है तो आप पतला वाला भी ले सकते हो। तो आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, ओपन ईयर या पोनी, दोनों में से मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोनों ही ये लड़कियों पे अच्छी लगेगी, ऑफिस गोइंग गर्ल्स के लिए एंड छोटे बाल हैं तो भी अच्छी लगेगी, कॉलेज जा रहे हो तो भी अच्छी लगेगी, कुर्ती के लिए बेस्ट रहेगा। एक तो आप इस तरीके से पिनअप कर सकते हो अपने हेयर स्टाइल को, ओके। और दूसरा आप इसको, क्योंकि हमने यहाँ पे चोटियों वाला बनाया हुआ है तो इसको थोड़ा सा डिफरेंट दिखाने के लिए बालों में से थ्रेड बेयर्स निकालेंगे और इसकी एक चोटी बना लेंगे। चोटी को पूरा गूंथ लेंगे एंड तक। वेरी नाइस, सिंपली रबड़ बैंड के चारों तरफ से लपेट देंगे, थोड़ा सा मैचिंग दिखे एंड यू पिन से सिक्योर कर देंगे। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, अगर आपके बाल बहुत लंबे हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हो और छोटे हैं तो आप ऊपर रख सकते हो या फिर मेरी तरह हैं तो भी इस तरीके से आप बना सकते हो, कुर्ती के लिए बेस्ट रहेंगे ये हेयर स्टाइल। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और इसको थोड़ा वॉल्यूम दिखाने के लिए आप इसको कर्ल्स डाल सकते हो, फ्रंट से भी कर्ल्स डाल सकते हो, काफ़ी प्यारा और अट्रैक्टिव हेयर स्टाइल लगेगा। जो फाइनल लुक था वो कुछ इस तरीके का आया था, वैसे ऐसा दिख रहा है एंड इस तरह से ऐसा दिख रहा है। इसके बाद मैंने लगाई अपनी बिंदी और हम जा रहे हैं मार्केट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मेकअप की वीडियो देखिएगा जरूर जाके मेरे चैनल पे, बहुत सारी मेकअप से ट्यूटोरियल वीडियो एंड हेयर स्टाइल एंड हेयर केयर एंड फेस फ्रेमिंग के अकॉर्डिंग जो वीडियोज होती है, स्किन केयर के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें जाती रहती हैं। तो जाके चेकआउट कर लीजिए, इसको कर्ल जरूर कर लीजिएगा एंड बैक को हेयर जो है उनको भी कर्ल्स कर लीजिएगा ताकि जो आपका लुक है वो काफ़ी अच्छा दिख पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए अपना ख्याल रखिए। सेकंड चैनल पर सिलाई से रिलेटेड वीडियो जाते रहती हैं तो उस चैनल पर भी जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा। बाय बाय। इंस्टा आई डी 324 है।